जय हिंद दोस्तों, मैं सनराइज करियर एकेडमी में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं इस कोविड-19 जैसी महामारी में आप सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। मैं एक और खुशखबरी के साथ आया हूं कि सनराइज करियर एकेडमी की तरफ से एक और सिलेक्शन इंडियन आर्मी GD में हुआ है, आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद में, और जिनका सिलेक्शन हुआ है मेरे साथ में है मिस्टर संतोष कुमार, जो कि सेवरिया का गांव से हैं और इनके फादर भी आर्मी में थे और बतौर रिलेशन भर्ती में इन्होंने रेस निकाली। उसके बाद इन्होंने 28 फरवरी 2021 में होने वाला पेपर मौजूद हुए, लेकिन वह पेपर लीक हो गया किसी कारणवश, और वह पेपर लीक होने के बाद दूसरी डेट आई 28 मार्च की, और जो 28 मार्च का पेपर हुआ है इंडियन आर्मी का, उसमें ये बैठे और बैठने के बाद इन्होंने संघर्ष किया, अपना पेपर दिया और आज रिजल्ट आया है और रिजल्ट में इनका चयन हुआ है। तो मैं संतोष से कुछ गुजारिश कहूँगा कि वो अपने इस लक्ष्य प्राप्ति में अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताएं। नमस्ते सर, जय हिंद मेरे दोस्तों। मेरा नाम संतोष कुमार यादव है, मैं सिमरिया चरण दासी का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं ARHUP GD 28032114 08, मेरा रोल नंबर है। मैं इंडियन आर्मी में आर्टिलरी सेंटर में गनर ट्रेड में सिलेक्ट हुआ हूँ आज 21 अप्रैल को। मेरी 16 दिसंबर को रेस थी, 28 दिसंबर को मेरा मेडिकल था और 28 मार्च को मेरा पेपर था। आज उसका रिजल्ट आया है और मेरे प्यारे सर सिद्धांत सर ने मुझे पढ़ाया, एकेडमी में पढ़ाया, यहाँ अपने घर में 2 बजे रात तक पढ़ाया, कभी 3 बजे रात तक पढ़ाया। सबसे ज़्यादा जो मेहनत की वो सर ने किया, फिजिकल में मेरी थी, पूरा फिजिकल मैंने किया, उसके बाद जो रिटेन का था वो सर ने किया। मैं सनराइज कैरियर एकेडमी ओम प्लाजा में जो है वहाँ पे मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, वही उन्हीं की वजह से मैं आज हो पाया हूँ। और सर कैप्टन आनरी कैप्टन संतोष सर को जय हिंद, जय हिंद मेरे दोस्त। इसी तरीके से दोस्तों आप भी आगे बढ़ते रहिए और सनराइज करियर एकेडमी पर भरोसा कीजिए, और जो भी आपका लक्ष्य है हम आपके लक्ष्य की ओर मेहनत करेंगे और आगे ही आप बढ़ते चले जाएंगे।